हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं एक अलग टाइप का अवाया, क्योंकि आप लोगों ने जब हमने लास्ट टाइम अवाया ना का बताया था, तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कुछ और अलग टाइप का भी बताया, तो हमने कहा आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर देना चाहिए और आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था, हमने सोचा इसलिए आपके लिए जरूर से जरूर एक और बनाना चाहिए। हम लोग इसीलिए आपके लिए पहले हमने सिंपल वाला बनाया था, मतलब विदाउट अस्तर। आज हम आपको बताएंगे अस्तर लगाकर, जो कि पार्टी वेयर भी रहेगा। ये जो फैब्रिक है, ये है नेट का फैब्रिक, ब्रासो नेट होती है ना, ब्रासो नेट इसका बना रहे हैं। ये जो नेट है ये 5 मीटर है और अस्तर का फैब्रिक भी हमने 5 ही लिया है, क्योंकि हमें सभी जगह लगाना है, स्लीव्स पे भी पूरा लगाना है, घेर वेर में, मतलब सब में पूरा ही लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने जितनी नेट ली उतना ही अस्तर ले लिया है। हमारा अस्तर है जो ये 4 मीटर है, 1 मीटर अलग से है हमारे पास, ये थोड़ा कम पड़ रहा था इसलिए हमने 1 मीटर और मंगाया है। तो ये हम स्लीव्स में यूज कर लेंगे। इस अस्तर को सिंगल कर लेना है, इसको एक बार फोल्ड कर देंगे। इसमें से हम पहले बैक साइड की चोली निकालेंगे, फिर फ्रंट साइड की निकालेंगे। इस कपड़े को सीधा कर लेना है, यहाँ से हमने सीधा कर लिया, यहाँ से शोल्डर को 1 इंच डाउन कर लेना है। शोल्डर हमारे 16 इंच के हैं, उसका आधा हमने लगा लिया 8, और ये आधे इंच हम बड़ा रख लेंगे सिलाई के लिए। आर्मोल्स की जो गोलाई रहेगी वो 7 इंच रहती है नॉर्मल कपड़ों में, लेकिन हम इसमें लगाएंगे 8 इंच की, क्योंकि ये लूज पहना जाता है और कपड़ों के ऊपर पहनते हैं तो यहाँ से टाइट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इसकी गोलाई 8 रखी है। और बीच सेंटर से रखेंगे इंची टेप को, और चोली का जो साइज है वो 14 इंच है, तो हम 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। आधा इंच सिलाई में यहाँ दबेगा और आधा इंच ऊपर दबेगा। अब हमने बुरखी का ही नाप लिया था, उन्होंने हमें बुरखा ही दिया था, तो जो उसकी फिटिंग थी आधे आधे में 22 इंच थी, और नीचे कमर भी उनको 22 की रखवाना थी, मतलब सीधा चाहिए था, गोलाई नहीं। हाँ, गोलाई अरे बुरखे में वैसे भी गोलाई नहीं होती है। तो यहाँ की फिटिंग 22 थी, तो उसका आधा हो जाएगा 11, और यहाँ पर भी 11 ही आएगा। आप चाहें तो अपने हिसाब से, जैसा भी आपकी फिटिंग आए उसके हिसाब से आप ये वाले निशान लगा लें। और वैसे भी हमने आपको सूट की फिटिंग डालना बताया ही है, सूट की फिटिंग जैसे सूट की फिटिंग डालते हैं उसी से आप इसको 4-5 इंच लूज बना लीजिए, सही आ जाएगा। और अगर आपको और भी लूज बनाना है तो आप 8-8 इंच की लूजिंग डाल लीजिए इसमें। इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इसको भी और इसको भी, इस निशान से इसको मिला देंगे और यहाँ पर ये 2 इंच का मार्जिन कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आधे आधे इंच दूरी से भी कटिंग करके बना सकते हैं, लेकिन हमारे कस्टमर ने बोला था कि मार्जिन रख लीजिएगा, ताकि वो इन फ्यूचर अगर वो मोटी होती है तो फिर उसको खोलकर पहन सके, इसलिए हमने मार्जिन रखा है। आपको अगर रखना है तो आप रखिए, नहीं रखना है तो आप मत रखिए, कोई जरूरी भी नहीं। वैसे बुरखे में जरूरी नहीं रहता मार्जिन रखना, लूज ही होता है। यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेंगे, आर्मोल्स की गोलाई दे देंगे, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कट मार देंगे और एक कट हमें यहाँ फिटिंग के पास भी लगाना है और एक कट यहाँ सेंटर पर लगाना है। अभी हमारी बैक साइड की चोली तो कट हो गई है, अब हमको काटना है फ्रंट साइड की चोली। तो फ्रंट साइड की चोली काटने के लिए इस कपड़े को थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे, मतलब कि 2-2 इंच और आगे बढ़ा देना है। कपड़े को हमने एक्स्ट्रा रख लिया है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2-2 इंच के निशान लगाना है। एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे और एक यहाँ पर लगा लेंगे, इस निशान को लंबा कर लेंगे। कर लिया, अब इस चोली को हमें इसके ऊपर ही रखना है और ये वाले कपड़े को छोड़ना है। इस निशान के पास से इस कपड़े को छोड़ देंगे, यहाँ से रखेंगे, ये रख दिया हमने, और जैसी हमारी ये वाली चोली कट हुई थी ऐसी हम एक चोली और निकाल लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड की चोली भी कट हो गई है, बैक साइड की चोली को हटा देंगे। दीदी आपने बताया नहीं बड़ा क्यों रखा है, अभी बताएंगे ना, रुको। बड़ा हमने इसलिए रखा है, यहाँ पर जो काज बटन की पट्टी लगती है ना, एक लंबी सी पट्टी रहती है वो, जिससे ऊपर हो जाता है बुरखा, हाँ उसके लिए हमने ये कपड़ा छोड़ा है 2 इंच का। अब हमको क्या करना है, ये हमारी फ्रंट साइड वाली चोली है, यहाँ पर गोलाई देना है, ये हमने गोलाई कर दी, ये हो गई हमारी गोलाई, और इसको हम खोल देंगे, कट कर देंगे, मतलब कि ये हमारी कट हो गया। एक कट हम यहाँ लगा देंगे और एक नीचे भी लगा देंगे, ताकि जब कोई भी इसको मोड़े तो उसको पता चल जाए। इतने कपड़े को छोड़ देना है और यहाँ से रखना है इंची टेप को, 2.5 इंच की फैलान रखना है इसमें, और गले का जो साइज रख रहे हैं हम वो 4 इंच का है, और नीचे भी हमको फैलान 2.5 रखना है, गोल गला ड्रॉ करना है। ये हमारा गोल गला कट गया है, इसको हम बाद में काटेंगे जब ये पट्टियां ऐसे करके मुड़ जाएंगी ना, इसके बाद काटेंगे, ताकि ये यहाँ पर मुड़ने में दिक्कत ना दे, इसलिए हमने इस कपड़े को अभी नहीं काटा है। और शेप भी खराब हो जाता है ना, फिर बाद में शेप खराब हो जाता है। फिर ये फ्रंट का गला कटिंग करने के बाद इसको हटाएंगे और ये बैक साइड की चोली ले लेंगे। 2.5 इंच की फैलान तो हमको रखना ही है, जैसे हमने आगे रखी थी वैसे ही हमको पीछे भी रखना है। अब यहाँ से ले लेना है 1 इंच,
ये देखिए हमारा कट गया है, ये हमारे फ्रंट और बैक साइड की चोली कट गई है। अब हमको क्या करना है, इस कपड़े को तो यहाँ से काट कर सीधा कर लेंगे। अब ये जितना भी बचा है इसकी घड़ी बना लेंगे, इसको फोर फोल्ड करके रख लेंगे। कपड़े को हमने फोर फोल्ड करके रख लिया ये, और दोनों साइड किनारी आ गई, इस साइड किनारी, उस साइड खुला और इस साइड बंद, मतलब जो हमारी साइड है वो बंद है। इसकी पूरी फुल लेंथ 53 इंच है। तो जो चोली थी हमारी 14 इंच की थी, 14 इंच हमने इसको ऊपर छोड़ा इंची टेप को, और यहाँ से 53 पर निशान लगाएंगे। पूरा फिक्स ही आ रहा है प्रीति, 54 आधे आधे इंच दोनों साइड सिलाई में दब जाएगा, आधे इंच सिलाई में दब जाएगा, मतलब कि अपना सही आ जाएगा। हाँ। तो हमने 53 पर निशान लगा दिया, यहाँ पर आधे इंच यहाँ दबेगा और आधे इंच ऊपर दब जाएगा। तो ये मतलब कि ये हमारा पूरा कपड़ा जैसा है, इसमें हमें कुछ भी काटा पीटी नहीं करनी है। जितना भी कपड़ा है ये हम पूरा घेरे डाल देंगे। यहाँ पर 20 सेंटर में कट लगा देंगे, एक कट हमने यहाँ साइड में लगा दिया। सामने वाली साइड से हमारा खुला रहेगा, बाकी दोनों साइड से, बाकी सारी जगह से ये बंद रहेगा, गोल गोल घेर लग जाएगा। तो ये हमारे अस्तर का घेर कट हो गया है। अब हमारे पास जो 1 मीटर वाला फैब्रिक है स्लीव्स के लिए जो हमने लिया था, इसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। ये हमारा सिंगल कपड़ा है, ये हमने डबल कर दिया है, इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। कपड़े को हमने फोर फोल्ड करके जमा लिया है। अब हमको जो हमारा सीने का चौथाई भाग निकला था वो 11 था, तो हमें कपड़ा चाहिए 12 इंच का, तो अभी ये 11 ही इंच का आ रहा है, मतलब कि ये कम पड़ जाएगा। इसको थोड़ा सा पीछे खसका लिया कपड़े को, और यहाँ पर हम एक छोटी सी कली लगा देंगे। अब इसको नाप के देखेंगे, ये हमारा 12 आराम से आ रहा है। यहाँ पर हम एक छोटी सी कली डाल देंगे, यहाँ पर हमने ये निशान मारा कपड़े को काट कर सीधा करने वाला। आस्तीन की लंबाई हमारी 22 इंच है, तो ये हमारा 22.5 पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आधे इंच दबेगा तो ये 22 हो जाएगा। और यहाँ पर रख देना है हमको 1 इंच बढ़ाकर मोड़ने के लिए, यहाँ पर जो डबल फोल्ड मोड़ता है उसके लिए रखा है हमने। और स्लीव्स की जो फिटिंग रहेगी वो 11 इंच की है, तो हमने 11 का आधा 5.5 पर निशान लगा दिया और 11 इसमें लिख भी दिया, और ये रहा 2 इंच का मार्जिन। और फिटिंग स्लीव्स की लूज ही रखें, क्योंकि दीदी इनको लूज चाहिए नहीं थी, नहीं तो इतना सारा कपड़ा तो था, ऐसी वाली बना देते। हाँ, वो एल लाइन वाली है ना दीदी। हाँ, पर उन्होंने मना किया था, उनको नहीं बनवानी ऐसी वाली, उनके पास बहुत सारी है उस टाइप की। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप चाहें तो एल लाइन वाली स्लीव्स बना सकते। ये हमने कपड़े को सीधा किया, और यहाँ से इंची टेप को रखना है और 3.5 इंच इसको डाउन कर देना है। यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे देंगे। स्लीव्स का शेप ड्रॉ करने के बाद अब हमको ये वाला स्केल ले लेना है, यहाँ से रखना है इसको, और यहाँ से ऐसा तिरछा निशान लगा देना है। गोलाई वाला निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर देना है। यहाँ पर एक छोटा सा कट मार देंगे, एक कट हमें यहाँ पर मारना है, और ये जो हमारा पतला वाला हिस्सा दिख रहा है इसको इस साइड घुमाएंगे। घुमाने के बाद इसको इसके ऊपर रखेंगे, और 1 इंच हमने इसको ऊपर रखा है ताकि ये सिलाई में दबेगा ना तो ये बराबर आ जाएगा। और इसकी यहाँ से कटिंग कर दी हमने, कटिंग करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे और ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगी। ये हमारा बंद हिस्सा है, इसको भी काट कर खोल देंगे। खोल दिया हमने, अब हमको क्या करना है, ये वाले जो छोटे वाले हिस्से हैं दो, इनको पकड़ना है, और यहाँ से पतला पतला, यहाँ से बड़ा, यहाँ से पतला की कटिंग कर दी। ये हो गई हमारी इसकी कटिंग। इसी के साथ हमारी स्लीव्स भी कट हो गई है, मतलब अस्तर अस्तर की कटिंग हो गई है। अब ले लेंगे हम नेट का फैब्रिक। अब हमने ये नेट का फैब्रिक ले लिया है, इसको क्या करना है, हमको सिंगल कर लेना है। इसको ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे, चोली ले लेंगे। पहले हमको बैक साइड की चोली निकालना है इसमें से, जैसे हमने अस्तर में किया था बिल्कुल वैसा ही करना है हमको, इसमें कुछ अलग नहीं करना है। ये बैक साइड की चोली कटिंग कर देंगे। बैक साइड की चोली कट हो गई है। अब हमको फ्रंट साइड की चोली कट करने से पहले इस कपड़े को थोड़ा और आगे बढ़ा देना है। ये फ्रंट साइड की चोली हमने इसके ऊपर रख दी है, जैसे हमारी ये चोली कट हुई है वैसे ही हम इसको यहाँ से काट कर इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको हमने यहाँ से कट करके बाहर निकाल लिया है, सिर्फ हमने यहाँ अभी कट नहीं किया है, यहाँ पर हमारा जब अस्तर अटैच हो जाएगा उसके बाद हम कट करेंगे। ओके दीदी। और यहाँ से भी खोल देंगे इसको काट कर। तो हमारी ये फ्रंट साइड की चोली भी कट हो गई है, इस कपड़े को काट कर सीधा कर लेंगे। ये काट कर हमने इसको हटा दिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से पहले स्लीव्स कट कर लेते हैं, इसके बाद जो कपड़ा बचेगा पूरा हम घेर में लगा देंगे। इसके लिए हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, एक के ऊपर एक रख कर इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि जब अस्तर में कली आई है छोटी सी तो इसमें भी आई ही आएगी, चौड़ाई पूरी नहीं हो पाएगी इसी में। ये हमने स्लीव्स ले ली है, इसको इसके ऊपर रखेंगे, जैसा हमारा ये कट हुआ था वैसा ही फिक्स हर जगह से कटिंग कर देंगे। इसको हमने यहाँ से पूरा कटिंग कर दिया है, बाद में काटना पड़ता है इसलिए अभी काट दिया। इसको यहाँ से ऐसे डबल फोल्ड करके रख लेंगे, इसको इसके ऊपर रखा, 1-1 इंच ऊपर रखिए आप, तो कम नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। अब इसी के जैसे कटिंग कर देंगे। कट हो गई, जहाँ तक हमारी कम है उससे 1 इंच बड़ी ली है हमने। ये हमारी बंद है, यहाँ से भी खोल लेंगे। इसकी हमने कटिंग कर दी है, काले को भी काटना है, ये भी बंद है हमारा अभी। इसको हमने काट कर खोल दिया है, इसको इसके ऊपर रखेंगे और ये यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएगी। स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है, इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। दोनों साइड की चोली भी कट गई, अस्तीनें भी कट गई। अब बचा क्या घेर। फ्रेंड्स, ये जो नेट है इसको भी लंबाई के हिसाब से पहले नाप लेंगे।
अगर ये बड़ी होगी तो इसको साइड से कटिंग करके हटा देंगे, तो ये रहा हमारा इंची टेप, हमने इसको 14 इंच ऊपर छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ से इसको ले जाएंगे तो ये भी उतना ही आ रहा है हमारा, 53 लंबाई आना है तो भी 54 ही हो रहा है, बस आधे इंच ही यहाँ पर मुड़ने के लिए बचा है। तो ये जो हमारा अस्तर हमने कट किया था इसको इसके बराबरी से ही लेना है, इसको इसकी बराबरी से जमा कर रख लेंगे। अरे प्रीति थोड़ी सी बड़ी आ रही है नेट, देखिए फ्रेंड्स हमने अस्तर को और नेट को बिल्कुल बराबर कर लिया है, इतनी सी हमारी बड़ी हो रही है तो यहाँ से हम इसको कट करके अलग कर देंगे। नेट को और अस्तर को हमने बराबरी से कटिंग कर दिया है, ये दोनों हमारे बिल्कुल बराबर हो गए। देखिए फ्रेंड इसी घेर की कटिंग करने के साथ, घेर में तो वैसे ज्यादा कुछ था ही नहीं कटिंग करने के लिए, सिंपल ही था, तो यहाँ से हम इसको सिंपल कैसे था अगर इसको मैं बताती नहीं कि कैसे कैसे इसको निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे इसको, तो कैसे पता चलता सिंपल है। हाँ ये तो कैसा ही बात है, देखिए ये हमारा घेर है, ये हमारी आस्तीनें हैं। इसी के साथ हमारी कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और आपको वीडियो पसंद आएगी तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसकी स्टिचिंग अपन कल करेंगे। फ्रेंड्स हो चुका है नेक्स्ट डे और अब हम कर लेते हैं इसकी स्टिचिंग। आपको दोनों एक ही वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, कटिंग भी और स्टिचिंग भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको एक ही चीज में दोनों बता रही हूँ, मतलब कटिंग और स्टिचिंग, तो जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। पहले हम चोली बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें लेना है और इसको हमें सिंगल करके रख लेना है। इसके ऊपर ये अस्तर को रख लेना है, हमें ये रख दिया। इसको हमें यहाँ से सभी जगह से बराबरी से इसको अटैच कर देना है, और ऐसे ही हमें इस वाली को भी अटैच करना है। इसको भी इसके ऊपर रख देना है, एक यहाँ रख दीजिए और एक यहाँ रख दीजिए। इसको भी यहाँ से सभी जगह से अटैच कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स सभी जगह से मैंने इसको अटैच कर दिया है और ये वाले भी दोनों अटैच हो चुके हैं। अब ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसकी हम फिनिशिंग कर देंगे। करिए देखिए इसकी हमने पूरे में से फिनिशिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको हमें बैक पार्ट को सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद ये फ्रंट पार्ट लेना है और इसके ऊपर रख देना है यहाँ पर, और इस वाले को हमें इस साइड रखना है। रखने के बाद यहाँ से इस वाले शोल्डर से ये वाले शोल्डर को हम मिलाएंगे और यहाँ से इसमें हम सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे, और यहाँ से हम इस वाले में सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से दोनों शोल्डर मैंने ज्वाइन कर दिए हैं और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और अब हमें यहाँ की पट्टियाँ नहीं मोड़नी है, हम बाद में जब गोल गोल पूरा घेर चढ़ा देंगे इसके बाद पट्टियों को फोल्ड करेंगे, वो भी एक साथ यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक की। और है ना गले की पट्टी भी बाद में लगाएंगे। हाँ, गले की पट्टी भी बाद में ही लगेगी। तो ये जो हमारा गोलाई है यहाँ पे हमें लगाना है स्लीव्स, तो स्लीव्स ले लेंगे हम। ये देखिए ये स्लीव्स का अस्तर है, ये स्लीव्स की नेट है, तो यहाँ पर हमें कलियाँ लगाना है। इसको खोल के कर लेंगे सिंगल, और ये ऊपर वाली कली लेंगे यहाँ पे लगा देंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको ज्वाइन कर देंगे, और इस वाली कली को हम यहाँ पर लगा देंगे। और ये वाला जो हमारा अस्तर है इसमें भी एक कली यहाँ पर लग जाएगी, उठाएंगे यहाँ ऊपर साइड लगा देंगे, और इस वाली कली को लेंगे और यहाँ वाले में लगा देंगे इस वाले पार्ट में। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर इस तरीके से नाखून लगा देंगे ताकि एकदम कली बैठ जाए। और इसको हम पलट के उल्टा कर लेंगे, इसको भी उल्टा कर लेंगे। इसको लेना है और इसके ऊपर रख देना है, और दोनों कली को एक ही जगह करना है, अलग अलग नहीं करना है। ये हमने अच्छे से इसके ऊपर जमा लेंगे। जमाने के बाद इसको हर जगह से हमें अटैच कर लेना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ऐसे ही हमें इस वाले को भी पूरे में से अटैच कर देना है। इसको सभी जगह से हमने अटैच कर दिया है और इसकी सभी जगह से फिनिशिंग कर देनी है। फिनिशिंग करने के बाद ये जो हमने मार्जिन छोड़ा था फोल्ड करने के लिए, यहाँ से एक और ये दो, दो पल्टी में हम इसको फोल्ड कर देंगे दोनों स्लीव्स को। स्लीव्स हमने फोल्ड कर दी है, अब हमें ये चोली ले लेना है जो हमने पहले से रेडी करके रख लिए। ये लिया हमने स्लीव्स को, इसकी गोलाई देखेंगे इस साइड की है, ये देखिए ये गोलाई है ना, ये आगे वाला इसका मार्जिन जो लेना है हमें पीछे साइड कर देना है, और यहाँ से कट से मेजर करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अटैच कर देंगे, और इस वाली स्लीव्स को हम इस साइड लगा देंगे। ये देखिए डबल सिलाई लगाकर स्लीव्स हमने इसमें अटैच कर दी हैं, दोनों ही साइड की स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। अब हमें फ्रेंड्स इसमें फिटिंग कर देनी है, गले हम बाद में बनाएंगे, आप लोग टेंशन मत लेना। ये देखिए ये कट, ये वाला और ये वाला कट, यहाँ से दोनों कट को मिलाएंगे आपस में, और यहाँ से भी ये देखिए ये दोनों कट को मिलाकर यहाँ से फिटिंग लगाएंगे, और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक फिटिंग लगा देंगे। और ऐसे ही हमें इसको पलट देना है, पलटने के बाद और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक फिटिंग कर देंगे। ये देखिए फिटिंग हमने कर दी है और साइड की भी हो चुकी है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें ऐसा खोल देना है, तो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हमें बड़ी बड़ी प्लेट बना देनी है, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे गोल गोल में बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ खत्म करेंगे, और यहाँ पे कहीं पर सिलाई नहीं लेने वाले हैं, तो गोल गोल ही लगाना है। तो अभी इसको हम साइड कर देते हैं, और ये जो हमारा घेर है इसको ले लेते हैं, और इसको हमें अस्तर के साथ अटैच कर देना है। ये देखिए सिंगल लिया हमने,
और सिंगल लेने के बाद यहाँ से एक सिलाई लगाकर नेट को और अस्तर को, यहाँ पे एक सिलाई लगाकर नेट को और अस्तर को ज्वाइन कर देंगे पूरे, जितना भी फैब्रिक है हमारा पूरा उसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक वो जो लास्ट घेर है ना, पूरे यहाँ तक हमने इसको अटैच कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ से भी ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नेट भी और अस्तर भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेट को हम इतना सा बड़ा रखेंगे और अस्तर को इतना सा छोटा रखेंगे। तो कैसे करना है हमें, ये जो नेट है हमारी इसको हम एक पलटी मोड़ेंगे, ठीक है, और ये जो अस्तर है हमारा यहाँ से एक और ये दो पलटी मोड़ेंगे, तो इसमें हमारा इतना सा अंतर आ जाएगा। तो नेट बाहर रहेगी और अस्तर ऊपर रहेगा, फिक्स रख देंगे तो फिर पता है अस्तर बाहर लटकने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। इसलिए हम अस्तर को आधे इंच ऊपर और नेट को आधे इंच बड़ा रख रहे हैं। ये देखिए, इसको एक पलटी में और इसको दो पलटी में हमने फोल्ड कर दिया है। और अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें ये जो हमारा नेट और अस्तर है इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है, इस साइड भी और उस वाली साइड भी। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी ऐसी पट्टी मुड़ेगी ना, ये सामने वाली पट्टी रहेगी वो, इसीलिए। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने अटैच कर दिया है। और अब देखिए, यहाँ से यहाँ पर दीदी ने आपको कट लगाना बताया है, एक पलटी और फिर बीच में ऐसे कट लगाना थे जो आपने अभी कटिंग में देखे ही होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इधर जो कट के बीच की जो प्लेट्स रहेंगी, एक पार्ट जो रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक की प्लेट इस वाले पार्ट में बनानी है, और ये जो बैक पार्ट रहेगा यहाँ से यहाँ तक का उसकी प्लेट हमें ये वाले कट से लेके ये वाला कट और एक कट और यहाँ तक की, मतलब कि दो कटों के बीच में एक चाहिए, बीच में की प्लेट जो रहेंगी हमारी जो बैक पार्ट में बनानी है, और ये एक कट के बाद ये जो कपड़ा बच रहा है यहाँ की प्लेट हमें इस साइड वाले में बनानी है। तो आ गया ना आपको समझ में कैसे बनानी है, एक साइड की एक साइड और ये बीच वाले में, क्योंकि डबल हो गया, इसमें भी अगर एक और कट लगा देंगे तो एक की इस साइड हो जाएंगी, एक की इस साइड हो जाएंगी, और इधर वाले की जो बच रहेंगे उस साइड की। तो अगर आपको क्लियर समझ में, अब मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम प्लेट डालने के पहले इस मार्जिन को फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमें इसको सिंगल करके रखना है, हमने इसको सिंगल करके रखा, इसके ऊपर हमने ये रख दिया। ये जो कट है इस कट से थोड़े दूर तक, कम से कम एक इंच दूर तक इसमें हमें सीधी सिलाई लगानी है। इसके बाद यहाँ से हमें इसमें प्लेट बनानी है, वो भी एक एक इंच की। ये देखिए, यहाँ से हमें एक एक इंच की यहाँ से बनाते जाना है, और ऊपर चढ़ चढ़ा के नहीं बनानी है, नॉर्मली सिंपल जैसे बनाते वैसे ही बनानी है। और ये हमारा कट आ गया, ये देखिए ये कट आ गया, और ये रहा हमारा एक साइड का मार्जिन, तो इसको हम अंदर एक साइड कर देंगे। ये देखिए, ये आ गया हमारा कट और ये आ गया हमारा मार्जिन, यहाँ का बिल्कुल यहाँ पे मिल गए हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये है कट, और ये इतना रख दिया हमने प्लेन, और यहाँ से बन गई हमारी पूरी चुन्नटे। दिखाना कैसी बन गई तुम्हारी चुन्नटे, ऐसी देखो। और फ्रेंड्स, अगर आपको मतलब ऐसी वाली नहीं पसंद आ रही हो ना, तो आप ऐसी बॉक्स प्लेट आती है ना वो भी बना सकते हैं। और दूसरी बात, और ये जो मैंने जैसी बनाई है आपके में थोड़ी चेंज भी हो सकती है, थोड़ा साइज छोटा या बड़ा हो सकता है आपके बुरखे के साइज के अकॉर्डिंग। और पूरी चुन्नटों के ऊपर हमने डबल सिलाई भी कर दी है ताकि खुले नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ की जो सामने की पट्टियां हैं वो फोल्ड करनी है। तो ये है हमारा निशान वाला साइड, यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा सा मोड़ना है, मतलब आधे इंच अंदर करना है और एक इंच फोल्ड करना है, और आधे इंच बाहर बच जाएगा। तो हमने इसको क्या पूरा टोटल दो इंच रखा था, तो ऐसे ही हमें ये ऐसे यहाँ से लेके पूरे यहाँ नीचे तक इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए, यहाँ से सिलाई लगा के इसको पट्टी को पूरी फोल्ड कर दिया है, और उसमें मैंने यहाँ पे पॉइंट की सिलाई भी लगा दी है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक फोल्ड हो गई। अब इस साइड की हमने ऊपर साइड से स्टार्ट की और नीचे तक खत्म कर दी। अब जब हम इस साइड की पट्टी फोल्ड करेंगे, इस साइड की हमें कैसे करनी है, अब हमें इसको नीचे से स्टार्ट करना है। ये लेना है हमें यहाँ से एक, ये दो, दो पलटी में हम इसको पूरा फोल्ड करेंगे, कहाँ तक, यहाँ गले तक। ये देखिए, यहाँ से लेके पूरे यहाँ ऊपर तक ये वाली पट्टी भी हमने फोल्ड कर दी है, और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो पट्टी है जिसमें हमने ये वाली और ये पॉइंट की सिलाई लगाई थी, ये जो एक इंच वाली जो पट्टी है इसमें हमारे बनेंगे कांच, लंबे लंबे ऐसे कांच बन जाएंगे। और ये जो हमारी पौने एक इंच वाली पट्टी है जिसको हमने नीचे से फोल्ड करना स्टार्ट किया था, इसमें हमारे बटन्स लग जाएंगे। अब हमें इसका नेक बनाना है, तो नेक बनाने के लिए ये हमने नेक लिया और यहाँ नीचे से इसको मिलाएंगे, क्योंकि नीचे से हमारा पूरा रेडी हो चुका है। ये देखिए, वहां से लेके यहाँ तक ऊपर तक हमने इसको मिला लिया है। यहाँ से इस नेट को हटा देंगे काट कर।
उसके बाद हमें एक कपड़ा ले लेना है, वेस्ट वाला जो कपड़ा रहेगा वो वाला, इसको हमें अच्छे से फोल्ड कर देना है। यहाँ पे हम नाखून लगा लेंगे। इसके बाद इसको हमें ऐसे रखना है, ये जो बैक पार्ट है ना यहाँ पर हमारा ये वाला फैब्रिक बंद वाला फैब्रिक आना चाहिए। यहाँ से हमें ऐसे रखना है, ये सीधा होना चाहिए और ये भी सीधा सीधा मिल जाना चाहिए। इसके बाद इसको हम गोल घुमा देंगे, गोल घुमा कर इस तरीके से हम इसको रख देंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे, यहाँ से हमें थोड़ा दूर रखना है इसको, और इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन रख के कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमने कटिंग कर दिया। इसको हम खोल के कर लेंगे सिंगल, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से पूरे पट्टी को हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमें इस बुरके को खोल देना है, और दोनों साइड के नेक में हम पट्टी एक साथ ही लगा रहे हैं। ये लिया हमने, इस पट्टी को इसके ऊपर रख देना है। यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगा देंगे, या कॉर्नर पे दोनों साइड पक्की कर देंगे, और यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन बाहर निकल जाएगा। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगा दी है, और इसमें पूरे में गोलाई है इसलिए हम पूरे में कट्स लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये मार्जिन ऐसे ही रहेगा, बस इस पट्टी को हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर हम बूट की सिलाई लगा लेंगे। बस इस पट्टी को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हमने इसमें बूट की सिलाई लगा दी है। अब इसको हमें यहाँ से ऐसे पलट देना है, और पलटने के बाद इस पट्टी को पूरे अंदर पलट देना है। पलटने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक उसमें कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देनी है। ये देखिए, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है, और यहाँ पर ये तुरपाई लगने के बाद ये वाली कच्ची सिलाई हम हटा देंगे। पट्टी लगने के साथ ही हमारा पूरा बुरखा जो अबाया नकाब है वो बन के रेडी हो गया है। यहाँ से यहाँ तक इसमें सिर्फ काज होना है जो हम कल करवाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बन चुका है हमारा पूरा बुरखा। इसके बटन्स भी लग गए हैं, हमने ऐसे वाले बटन लगाए बड़े बड़े, क्योंकि हमारे कस्टमर ने ऐसे ही डिमांड की थी। अब बताइए आपको ये कैसा लग रहा है, पूरा बनने के बाद अच्छा लगने लगा ना? आप लोगों ने डिमांड की थी कि बॉडी कट प्लेटेड वाला जो बुरखा होता है वो बताइए, तो इसलिए हम लोग ये वाला बुरखा लेकर आए आपके लिए। आप लोग जल्दी जल्दी फिर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको पसंद आया है तो आपको क्या करना है, लाइक, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।